आप सब लोगों को मेरा विनय माथुर का नमन। देखिए, कई बार होता है ना कि आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, घर में आते हैं, उन्हें हम मना भी नहीं कर पाते। आस पड़ोस के लोग ही इस प्रकार के हैं कुछ कि उन्हें हम मना नहीं कर पा रहे, घर में चले आते हैं। कई ऐसे देखिए ढीठ लोग होते हैं जिन्हें आप कई बार कह भी देंगे कि कृपया आप हमारे घर में ना आया कीजिए, तो भी वो लोग हंस के टाल देते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं। और कई बार घर में हाय लग जाती है, बुरे सपने आने लगते हैं, पूजा पाठ करने का मन नहीं होता, पैसे कौड़ी में बिल्कुल परेशानी हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां अपने आप में उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति करे क्या? कई सारे उपाय करता है, ज्योतिषों को दिखाता है, भगवान की पूजा करवाता है, सुंदर कांड करवाता है, सारे पाठ करवाता है। देखिए, सुंदर कांड के पाठ से तो बड़ी कोई मैं मानूंगा ही नहीं कि सुंदर कांड पाठ अगर वो घर में करवा रहा है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन ये प्रयोग भी कर लें जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रयोग को करने के बाद में किसी भी प्रकार की हाय, नज़र, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का कोई मैली शक्ति या कोई गंदा जादू या जो भी तामसिक प्रयोग या कुछ भी आपके घर पर किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से सुन लीजिए, यह प्रयोग भगवती छिन्नमस्तिका से जुड़ा हुआ है। इस प्रयोग को करने के बाद में माँ छिन्नमस्तिका आपके घर की पूर्ण रूप से रक्षा करती है। ध्यान से सुन लीजिए, क्या करना है। एक लाल चुनरी ले लीजिए, और अगर लाल चुनरी ना मिले तो भगवती का ध्यान करके लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़े में या फिर चुनरी में आप एक नारियल रखें, आधी मुट्ठी, एक मुट्ठी में आधी मुट्ठी, दो चम्मच समझ लीजिए काली उड़द लेना है। जो काली उड़द होती है उसका तंत्र में बहुत महत्व है। काली उड़द ले लीजिए और उस नारियल के साथ में लाल कपड़े पे रखिए, उसमें एक रुपए का सिक्का रखिए, साथ में कुछ गुलाब के फूल रखें और अब उसमें एक या दो लौंग रख दें और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। घर के द्वार पर यह प्रयोग केवल घर के किसी भी जेंट्स से करवाना है जो नहाया धोया साफ सुथरा हो। कोई भी लेडीज ये प्रयोग करने की कोशिश ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। केवल जेंट्स करें क्योंकि भगवती का जो यह प्रयोग है इसमें केवल यही विधान बताया गया है पुरातत्व लोगों द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा, कि इस प्रयोग को केवल जेंट्स ही कर सकता है। जब आप गेट के ऊपर उस पोटली को पचरंगी नाले से बांध लीजिए, सारी चीज़ों को अंदर रख के एक पोटली टाइप बन जाएंगी चुनरी में या फिर लाल कपड़े में। ध्यान रहे डबल कर लीजिएगा चुनरी को या लाल कपड़े को ताकि वो फटे नहीं और गिरे नहीं, फैले नहीं। उसे एक छोटी सी पोटली के रूप में बना लीजिए और सारा कुछ उसमें आ जाए व्यवस्थित। लौंग जो है वो खंडित ना हो, अखंडित लौंग लेना है जो टूटी हुई ना हो। इस सब चीज़ों को पोटली बनाकर घर के द्वार में पीछों बीच, बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की तरफ से रखें या अंदर की तरफ से रखें, लेकिन इतनी ऊपर रखें कि किसी का हाथ ना पहुंचे। हो सके तो आप एक सीढ़ी ले लें, सीढ़ी से उसे थोड़ा सा चढ़ जाएं या स्टूल से ऊपर चढ़ के जहाँ पे साधारण व्यक्ति हाथ ना पहुँचा सके उतना ऊपर उसे पचरंगी नाड़े से अच्छा टाइट व्यवस्थित उसे बांध दीजिए। और बांधने के साथ में ये कहिए कि हे माँ जोगनी, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, हे माँ जोगनी और दुनिया की समस्त देवियों,
मैं आपके नाम से यह नारियल और यह पूजन विधि की जो भी वस्तुएं हैं, मैं आपके नाम से यह नारियल और सामग्री यहाँ बांध रहा हूँ। हे भगवती, हमारे घर की नज़र हाई और समस्त प्रकार की बुरी शक्तियों से आप रक्षा कीजिएगा और किसी भी बुरी शक्ति को घर में प्रवेश ना करने दीजिएगा, किसी की भी हाई नज़र को घर में प्रवेश ना करने दीजिएगा, और यदि किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग हो उससे भी हमारी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में आपको उसे वहाँ व्यवस्थित रूप से बांध देना है, प्रणाम कर लें और फिर नीचे उतर जाएं अगर आप पर चढ़े हुए हैं तो, और फिर आप अपने दिनचर्या के काम में लग जाइए। ये प्रयोग करने के बाद में आपके घर के बाहर कोई कुछ भी कर जाए, किसी भी प्रकार का प्रयोग करें, मन में से निकाल दीजिए कि आप कुछ होगा आपके घर में, सुख शांति बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, बस ये बांधने के बाद में सब भूल जाइए। कोई आपको हवन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। माँ सदैव सबकी रक्षा करेंगी और भगवती तो इनको अपराजिता माना जाता है, छिन्नमस्तिका माता को। ये आपके घर की पूरी पावरफुल तरीके से आपके घर की रक्षा करेंगी। माँ सबका कल्याण करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने भाइयों बहनों सभी को, ताकि सब इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय माता की।